और वो वर्ण है वर्ण ज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रवेशिका की बुक निकालनी है, देन ओपन योर बुक पेज नंबर 32 एंड 33। आज हम ये दोनों पेज करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें 32 पेज नंबर देखना है, तो देखो यहाँ पे कौन सा वर्ण है, वर्ण ज। ओके, तो चलो हम ये रीड करते हैं नीचे वाले एक्टिविटी। जो शब्द ज से शुरू होते हैं उस पर चौकोर बनाओ तथा बिंदुओं को छोड़कर ज को पूरा करो। मतलब देखो यहाँ पे हर बार की तरह आपको सर्कल में दिया है वर्ण ज, और फिर यहाँ पे उसके रिलेटेड कई सारे पिक्चर्स है, तो जो उसके रिलेटेड पिक्चर्स है मतलब उससे स्टार्ट होते हैं उस शब्द पे आपको स्क्वायर बनाना है। ओके, तो चलो सबसे पहले देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, जड़ना। ओके, ज से जड़ना, तो यहाँ पे ये ज से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे हम बनाएंगे ऐसे स्क्वायर। ओके, आपको पूरे पिक्चर में नहीं बनाना है, सिर्फ ये शब्द लिखा है उसके ऊपर ही आपको इसे बनाना है स्क्वायर। ओके, चलो ना उसके बाद है यहाँ पे जाड़ू, ज से जाड़ू। ओके, तो ये भी ज से स्टार्ट हुआ, तो इसके ऊपर भी हम बनाएंगे स्क्वायर। नाउ उसके बाद है यहाँ पे छाता, तो ज से छाता हुआ नो, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, चलो उसके बाद है यहाँ पे ज से झंडा हुआ ना, तो फिर इसके ऊपर भी हम ऐसे स्क्वायर बनाएंगे। फिर उसके ऊपर है यहाँ पे झोपड़ी, ज से झोपड़ी। ओके, तो ये दोनों भी सेम हुआ, तो इसके ऊपर भी हमें करना है स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, कर लिया आपने, वेरी गुड। चलो नाउ पेज आपको 33 निकालना है, और इसमें देखो यहाँ पे है सबसे पहले वर्ण ज की ट्रेसिंग जो हम करेंगे। ओके, तो चलो अपने पेंसिल और इरेजर निकाला है, तो चलो हमारी राइटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके पेज में आपको ऐसे ट्रेसिंग डॉट्स दिए हैं, तो ये सारे डॉट्स हमें ट्रेस करने हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग लाइन से, फिर ऐसे करेंगे हम पाओ, फिर यहाँ पे टर्न लेके थोड़ी सी स्लैंटिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन, और फिर यहाँ पे स्लीपिंग लाइन। कौन सा वर्ण बनाए, वर्ण ज। ओके, नाउ अगेन स्टैंडिंग लाइन कर्व, टर्न लेके स्लैंटिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, एंड अगेन स्लीपिंग लाइन, ज से झंडा। ओके, नाउ अगेन वी ट्रेस वर्ण ज, ज से झंडा। आपकी बुक में ऐसे कई सारे पिक्चर्स दिए हैं, राइट, तो चलो यहाँ पर भी हम करेंगे अपने ट्रेसिंग। यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ पे ऐसे कर्व, देन टर्न लेके अगेन स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, एंड स्लीपिंग लाइन, वर्ण ज। ओके, नाउ चलो अभी हम सेकेंड लाइन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले स्टैंडिंग लाइन करनी है, फिर यहाँ पे करना है ऐसे कर्व, फिर यहाँ पे टर्न लेके स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और ऊपर कंपलसरी स्लीपिंग लाइन। आपको ये स्लीपिंग लाइन कंपलसरी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, चलो नाउ नेक्स्ट स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व, फिर यहाँ पे टर्न लेके स्लैंटिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, और ऊपर स्लीपिंग लाइन। सो ज से झंडा। नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम करेंगे कर्व, फिर यहाँ पे टर्न लेके स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और स्लीपिंग लाइन, वर्ण ज। नाउ अगेन वी ट्रेस, अगर स्टूडेंट्स आपने ऐसे कर दिया, फिर ऐसे किया और ऐसे किया, तो ये देखो कितनी गंदी गंदी राइटिंग है। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ये तो रॉन्ग है आपका। आपको कैसे करना है, ऐसे प्रॉपर आपको छोटे से
से हमने स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर यहाँ पे हमने बनाया ऐसे कर्व, फिर यहाँ पे टर्न लेके स्लैंटिंग लाइन, फिर यहाँ पे स्लिपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लिपिंग लाइन, बिल्कुल डॉट्स के ऊपर ही आपको ट्रेसिंग करनी है। अगर आपको नहीं आता है तो आप धीरे धीरे करो तो आ जाएगा। ओके चलो ना नेक्स्ट वन, ना मैं स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व, फिर यहाँ पे टर्न लेके स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड अगेन स्लिपिंग लाइन, वन जंप। नाउ नेक्स्ट वन, वन जंप और जंप से झंडा, फिर जंप से झोपड़ी। ओके नाउ लास्ट वन स्टूडेंट्स, स्टैंडिंग लाइन से स्टार्ट करेंगे हम, फील करेंगे हम ऐसे कर्व, देन टर्न लेके स्लैंटिंग लाइन, फिर स्लिपिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन और ऊपर अगेन स्लिपिंग लाइन। तो स्टूडेंट्स देखो हमने तो कितने सारे वर्ण कर लिए, किए ना आपने भी मेरे साथ, वेरी गुड। अभी चलो इसके नीचे की एक्टिविटी हम देखेंगे, तो चलो क्या बताए वो देखते हैं हम। चित्र को पूरा करो तथा उसमें रंग भरो, मतलब देखो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा पिक्चर दिया है। ओके और फिर देखो यहाँ पे ट्रेसिंग डॉट्स भी दिए हैं आपको झंडे में, तो ये सारे ट्रेसिंग डॉट्स आपको पेंसिल से कंप्लीट करने हैं और फिर ये पूरे पिक्चर में आपको जो भी कलर पसंद है वो कलर करने हैं। ओके तो अच्छे से अपना वर्क